all are fit and fine. So I have again come with a new structure. So let's see the structure. Okay, so today's structure is subject plus should plus verb's first form plus object, in other words. Okay, now let's see the sign. Okay, can you see here written one more structure? Okay, तो वो भी हम देखेंगे जब हम उसका यूज देखेंगे. तो चलिए तो अभी साइन देखते हैं. वाक्य के अंत में वर्ब के साथ ना चाहिए, नी चाहिए, मे चाहिए लगा रहे. इसी तरह एग्जांपल में देखते हैं जो अभी हम ट्रांसलेट करने वाले हैं. सो यहाँ लिखा है चाहिए, तो चाहिए तो हमें बड़ी आसानी से मिल गया, ये रहा चाहिए. अब वर्ब के साथ बोलना वर्ड है, अब इसके लास्ट में दिख रहा है ना चाहिए, ठीक है. ऐसा ही हमें मिल जाएगा नी चाहिए, किसमें, वर्ब में, ठीक है. ऐसे जितने हम खोजेंगे उसमें हमें ऐसे ही साइन मिलने वाले हैं. ओके, चलिए तो अब आपको इस वाले स्ट्रक्चर के बारे में बताती हूँ. ये वाला स्ट्रक्चर कैसा है, वैसे तो आपको देख के ही समझ आ गया होगा. नॉट लगा है तो सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस नॉट प्लस वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ब्स. ओके, तो जब इसका यूज आएगा तब तो मैं आपको बताऊंगी कि हमें कब इसको यूज करना है, ठीक है. चलिए तो बनाते हैं. हमें सच बोलना चाहिए, ये हमारा फर्स्ट एग्जांपल है. तो हमने साइन पहले ही खोज लिया था, ये था वर्ब, ये बोलना वर्ब है. और इसमें देख सकते हैं ना चाहिए जुड़ा हुआ है ना, ना चाहिए मिल गया. चलिए ट्रांसलेट कर लेते हैं. कौन सा स्ट्रक्चर यूज करें, ये या वो, तो हम ये यूज करते हैं. टू ये यूज करते हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगी. ओके, सब्जेक्ट तो हम लिख लेते हैं वी. उसके बाद शुड बताया है स्ट्रक्चर में, तो शुड लिख लेते हैं. शुड वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म, बोलना तो स्पीक लिख लेते हैं. अब अदर वर्ड्स, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, क्या बच गया, सच लिख लेते हैं. द ट्रुथ, ओके. तो नाउ सी द नेक्स्ट एग्जांपल. हमें अंग्रेजी लिखनी चाहिए. अच्छा, तो हमने साइन खोजा था, आपको ध्यान है कहाँ खोजा था, ये नी चाहिए. किसमें खोजा मैंने, मैं इसमें क्यों नहीं खोजी, इसी में क्यों खोजा मैंने, क्योंकि ये वर्ब है. ओके, और वर्ब के बाद चाहिए लिखा है, और वर्ब के लास्ट में आप देख सकते हैं नी है, तो बन गया नी चाहिए. और उन्होंने बोला था वर्ब में होना चाहिए, तो ये था वर्ब. कितना इजी था. चलिए ट्रांसलेट कर लेते हैं. वी क्यों, क्योंकि वी हमारा सब्जेक्ट है. शुड क्यों, क्योंकि मैंने स्ट्रक्चर में से शुड देखा है. वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म, लिखनी तो लिख लेते हैं राइट. राइट एंड ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स, क्या बच गया वाला, बिल्कुल करेक्ट, अंग्रेजी, तो लिख लेते हैं इंग्लिश. इंग्लिश, ओके. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट एग्जांपल. आपको ये किताब पढ़नी चाहिए. ओके, साइन खोजते हैं पहले, फिर ही तो हमें पता चलेगा कि हम इसका यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं. तो ये रहा पहले, तो हमें खोजने का सबसे आसान तरीका वर्ब खोज लेते हैं. वर्ब खोजने की ट्रिक बताई थी ना मैंने आपको अपने पिछली वीडियो में, सॉरी पहले वीडियो में मैंने आपको बता चुकी कि वर्ब हिंदी सेंटेंस में कैसे खोजते हैं. और ट्रिक बहुत आसान थी, तो आपने नहीं देखी है तो फटाफट से जाके देख लीजिए. तो ये रहा वर्ब, और इसके लास्ट में हमें नी मिल गया है, और नी के साथ क्या होना चाहिए, चाहिए. क्यों चाहिए होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे लिखा है ना चाहिए, नी चाहिए या नहीं चाहिए.
ठीक है, तो मिल गया हमें। चलिए तो फटाफट से ट्रांसलेट कर लेते हैं। तो सब्जेक्ट ले लेते हैं, सब्जेक्ट है आपको यू, ये अलग है ठीक है, ये अलग हम कंप्लीट कर चुके हैं। यू शुड अच्छा, फिर वर्ब लेना है, वर्ब है पढ़नी, तो लिख लेते हैं रीड। रीड, अब ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स में आ गया यह किताब, बिल्कुल सही, दिस बुक। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल थोड़ा सा इंटरेस्टिंग और डिफरेंट है, तो चलिए देखते हैं। राम को बाजार नहीं जाना चाहिए, आ गया हमारा मेन एग्जांपल। और इसलिए हम ये वाला यूज नहीं करेंगे, ये वाला करेंगे। क्यों? क्योंकि जब भी हम ऐसे सेंटेंस बनाते हैं जिसमें नहीं आए, ये वाला पहचान तो मिल जाए लेकिन उसमें नहीं का भी आए, तो हम ये वाला नहीं ये वाला बनाएंगे। इसमें नॉट भी लिखा हुआ है ना, नहीं वाला, तो हम अब इसका नहीं इसका यूज करके बनाते हैं। चलिए देखते हैं। अच्छा तो सीधा बनाते हैं, पहले साइन खोजें। पहले साइन खोजना है, तो पहले तो हम वर्ब खोज लेते हैं। ये था वर्ब जाना, अब इसके लास्ट में ना लिखा है और चाहिए लिखा है, ना चाहिए, ठीक है। चलिए अब बनाते हैं। नाम मैं थोड़ी देर के लिए इधर आ जाती हूँ, फिर मैं हट जाऊंगी। राम ही शुड फिर यहां पे नॉट लिखा है, नॉट फिर वर्ब, वर्ब तो हमने पहले से ही खोज लिया था साइन खोजते वक्त। जाना वर्ब है तो लिख लेते हैं गो टू ऑब्जेक्ट। अच्छा तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या आ गया, बाजार, तो लिख लेते हैं मार्केट। मार्केट, अच्छा एक चीज और, ये वाले स्ट्रक्चर में और ये वाले स्ट्रक्चर में बिल्कुल डिफरेंस नहीं है, बस नॉट जोड़ दिया। क्यों जोड़ दिया? नॉट ऐसे ही नहीं, नॉट इसलिए जोड़ा है ताकि हम नहीं वाले सेंटेंस को ऐसे बना सकें। ओके तो बन गया हमारा राम शुड नॉट गो टू मार्केट। आई होप आपको ये वाला स्ट्रक्चर भी बहुत पसंद आया होगा, इंटरेस्टिंग भी लगा होगा। और अगर आपको ये स्ट्रक्चर अच्छा लगे, इंटरेस्टिंग लगे, आपको जरा भी हेल्पफुल लगे, तो मेरी वीडियो को प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरे बाकी के पार्ट जरूर देख लीजिएगा, वो भी काफी अच्छे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।